أشهد أن محمد رسول الله. देखो वो सामने झंडी दिख रहा है ना, वो मंदिर है और उसके बिल्कुल बगल में सामने वाली लाइन है, वो सब मुसलमान रहते हैं। वहाँ सब घंटी बजता है, इधर मस्जिद में नमाज भी होती है, सामने मुसलमान भी रहते हैं, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ ये पूरी बस्ती है ना, मतलब ये सोसाइटी ब्रह्मपोल बोलते हैं उसको। यहाँ पे देखो चाचा बैठे हैं, ब्राह्मण है, नीचे बैठे देखो, और ये बाजू में ये सब है, ये पटेल है, ये बनिया है, और हम मुसलमान हैं, एक ही पोल में रहते हैं। यहाँ कोई कोई मगजमारी मतलब नहीं है, यहाँ सब आराम और चैन सुकून से रहते हैं। ये गांव का पानी ऐसा है, यहाँ कितनी कौम रहती है, मतलब आज तक कोई दंगा नहीं हुआ है, कोई त्यौहार ऐसा नहीं है कि हिंदू या मुसलमान का नहीं हुआ है। I had returned to the village of Napa in Gujarat after 3 years. I had come here in 2007 while we were making a film that followed the trail of Mahatma Gandhi's Salt March. I had discovered then that Napa had remained peaceful during the 2002 riots. All around Napa there had been terrible communal rioting with fundamentalists attacking Muslims. Yet Napa had been able to keep the peace. I want to investigate how this peace had been constructed. I want to understand what is so special about this particular village. थोड़ा बताइए नापा के बारे में। सब है ने, हमारे जो मुसलमान भाई है ये सब हमारे लिए है ने, हमारा उपरारा लेता है कि उसको भी कुछ नहीं कहने का है, उसको नहीं बोलने का है, ऐसा ही सब भाई है। अभी तक हम सब वाटल है ना, सब बाहर का आदमी आके भाई को पकड़ेगा ना तो हम इसको पकड़ने नहीं देंगे, हम इसको मारने नहीं देंगे, चाहे जो हिंदू हो वे, मैं मुसलमान हूँ, ये हिंदू है, लेकिन इनको हम बाहर का आदमी टच करेगा इसको करने नहीं देंगे हम, हमारे और हमारे कुछ प्रॉब्लम होगा तो ये हमको टच नहीं करने देगा। क्या बाहर के लोग ने आके भड़काने का कोशिश किया? इनाम रखेला 2 लाख रुपये, हाँ किया था, इधर वो कैबिन जलाने का 2 लाख इनाम रखा था, ये गांव का कैबिन जलाओ 2 लाख इनाम। इनकी ऐसी इच्छा थी, इनकी धारणा ऐसी थी कि ये गांव बाकी रह गया है तो उसको अंदर ले लो तो ये गांव भी बाकी ना रह गए। अभी कोई मंदिर में बॉम्ब रख देगा तो किसका सिर आएगा? मुसलमान ने बॉम्ब रख दिया, मस्जिद में रख देगा तो होगा, हिंदू ने रख दिया वैसा फिर धमाल होगा नहीं। पर आप लोगों ने ये शांति कैसे रखा है यहाँ? यहाँ पे सब बड़ी लच्छे ने मतलब भाईचारा चलता है और बड़े सरपंच है, वो सब अच्छे है, सबन अच्छे है। इधर मुसलमानों पर ये अटैक्स हो रहे हैं तो ये नापा कैसे बच गया? नापा मतलब मैं जानना चाहता हूँ ये खासियत क्या है नापा? बस हमारी शक्ति से, हमारे जो संबंध है संबंध से बच गया। बाबू का और हम दोनों हिंदू भाई और मुस्लिम भाई साथ में बैठे उठते हैं, एक दूसरे के विचार जान ले लिविज करते हैं, ये कुर्बानियां देते आए हैं तो उनका गांव के ऊपर जबरदस्त प्रभाव है इनके फैमिली का, तो वो उनके खड़े रहने से बहुत सी बातें हल हो जाती थी। फिर हिंदू भाई का अपना खुद का एक रोल था क्योंकि वो भी जाहिर जिन के आदमी थे, तो ये सबकी वजह से क्या होता, सबका एक अपना अपना प्रभाव था, अपना अपना एक दायरा था, और जो इसके साथ लगे हुए थे वो सब प्रभावशाली लोग थे। एक रोज दो दिन हम सब इकट्ठे हुए हिंदू और मुस्लिम और शांति समिति एक मीटिंग बनाई, बराबर ना, हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल के 1992 के अंदर वी आर कॉन्स्टिट्यूटेड वन कमिटी, वी आर द कॉलिंग द नेम ऑफ शांति समिति। तो वो क्या शांति समिति का एक मकसद हमने मैंने आपको बताया, कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ था उसके मुताबिक ये था कि गांव के अंदर कभी भी कोई ऐसा हिंदू मुसलमान के साथ चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामूहिक हो जो कोई घटना घटती है तो उसको सब बैठ के सर जोड़ के बैठ के उसका निराकरण कैसे लाना उसकी चर्चा होती थी उसमें। इस तरह की एक मीटिंग हुई मस्जिद में तो गांव के जो जिम्मेदार थे उन्होंने ही बोला कि भाई देखो हमारी उम्र हो चुकी है, अब वो न्यू जनरेशन तो क्या है कि वो उनका मिजाज को हम नहीं पहचान सकते।
अब जो यंग लड़के जो है उसमें से नए तैयार करो, और ये हालात जो आ रहे हैं उसके अंदर ये लोग आज काम करें नए। तो गांव ने बात को स्वीकार कर लिया था। शांति समिति के अंदर 18 पीस में हिंदू मुसलमान, और हिंदू मुसलमान के अंदर भी इनकी जो अलग अलग कास्ट थी तो वो सब उसके साथ जुड़े हुए थे। ये 18 या 22 आदमी का जो कमेटी का जो स्ट्रक्चर था उसके अंदर उसको अगर 22 आदमी को जोड़ लेते तो पूरे गांव के अंदर कोई भी वर्ग बाकी नहीं रहता था। जो बाहर जो भी होना होने दो, अपने गांव के अंदर कुछ होना चाहिए नहीं, ऐसी एक सोच एक हवा हमने गांव में फैला दी और हमारा ये काम करता ये शुरू किया। सर सचिव भाई थोड़ा उस टाइम पे डर ऐसा लगता था, तो ना कुछ करना ही पड़ता था। ऐसी हवा आती थी, हवा की वजह से क्या कुछ ना हुए, हम मुड़ के अपना गोल क्या था कि कुछ होना चाहिए नहीं, इधर कुछ दखल नहीं होनी चाहिए, कोई घटना बननी नहीं चाहिए, हमारा गोल वही था बस। और मैंने तो डिफेंस का काम किया है, नेगेटिव जो सोच रखते थे उनका मैं लिस्ट बनाया था 25-30 आदमी का, और बोला उसको बोल दिया था कि ये जो तुम आगे पाछे होगे कुछ अटक चाला करोगे कुछ क्राइम करोगे तो पुलिस में ना आपका नाम दे दूंगा मैं, तो वो तो फिर पकड़ में आ गए। यहाँ पे लोकेशन यहाँ पब्लिक ज़्यादा तक यहाँ रह दी, मैं सामने ये मकान है ना, ये ट्रैक्टर पड़ा है ना, ये लड़के बैठे वहाँ पलंग लगाया था मैंने, वहीं पर सो रहता था। और कितनी संख्या में लोग? 10 की टुकड़ी थी, इसमें हमने क्या किया था, 6 लड़के 6 मुसलमान के बच्चे थे, 4 हिंदू के लड़के थे, वो भी बैठते थे यहीं पे। क्या आपको ये डर था कि मुस्लिम कम्युनिटी पर अटैक होगा? हाँ। या ये भी डर था कि हिंदू कम्युनिटी पर अटैक होगा? और एक ही बात थी पूरे गुजरात के अंदर कि मुसलमानों पर ही अटैक हो सकता था, हो रहा था और होने वाला था, इसके अलावा तो किसी और कम्युनिटी का कोई सवाल ही नहीं था, क्योंकि पूरा के पूरा हर जगह पर यही तो हो रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि हम लोग यूँ सोचते थे कि पहली बार हम लोग मेजोरिटी में है और हिंदू बिरादरी या माइनॉरिटी के अंदर है, तो पहली बार हमारे को इनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी पहली बार आई थी, तो वो हमारे को अदा करने की फिक्र थी कि खुद ना करे और कोई इनके साथ कोई शरारत ना कर दे, और हालात ऐसे अगर कोई शरारत कर देगा तो उन को अपने लिए का अपना जो विश्वास है वो टूट जाएगा। ये कौमी एकता के अंदर सबसे ज्यादा जो बर्दाश्त करना पड़ा था ये इनको करना पड़ा है। उनका समाज उनको टीका करता था और दूसरा समाज इन पे शंका करता था, ऐसी दुविधा थी। तो जाएगा तो फिर जाएगा कहां? और फिर भी वो अपनी जगह पर अटल, कोई जगह पे गड़बड़ नहीं, क्योंकि इनके बारे में तो ऐसी रूमर चलती कि बात मत पूछो, हाँ तो बाबू भाई की गाड़ी निकली है। સંસદમાં દિલીપ પટેલ કરી છે મંત્રી, તો વાતની બંગડીઓ મોકલી કે તમે બીજ જાતો ડરપોટ છો, તમે બંગડીઓ પહેરો, આવું આવું કોણ કેમ સંભાળ્યું છે, બંગડી પહેરી દો અને બધાને કાઢી મેળો, આજે બહારથી આવ્યા છે ને એ બધાને કાઢી જ મેળો, અહીં ના રાખશો ભાઈ, અમે રાખ્યો તમને શું જોવો તો હિન્દુઓને મારે કે મિયા મિયાને મુસ્લિમોને મારે એટલા આંદોલન થઈ ઝઘડો થઈ જાય ને, નિર્ણય તો એ કે બહાર બહાર આવીને તોફાન કરે તેને તોફાન નહીં કરવા દેવાનું, કે ભાઈ તમે તમારા ગામ જતા પાછા જાઓ, એટલે કોઈને આવા જ નહીં દેવાનું, જેવા પાછા જ જાઓ, પાછા જાય નહીં, કોઈને ડગોબાજી કે આપણે એવું વ્યાર વ્યક્તિ નથી કે ભાઈ આ હિન્દુ છે ને મુસ્લિમ છે, કાંઈ બધા સાથે જ વી વોક વિથ મુનીર અહેમદ રાના અરાઉન્ડ ધ વિલેજ. એ ગલી મેં બ્રાહ્મણ હૈ, એ બાજુવાલા બ્રાહ્મણ હૈ, એ સામને મુસલમાન હૈ. ये क्या है नापा के बारे में? और जगह मैंने देखा है गुजरात में तो बहुत दूरी हो गई है हिंदू मुस्लिम के बीच में, यहाँ तो सब रहते हैं साथ में. हाँ तो हमको कोई इतराज नहीं है, हम लोग तो रहते हैं सब मिलजुल के. और ये जो आवाज़ आता है अजान का, तंग नहीं आते हैं कभी कभी? नहीं, तो हर हर का त्यौहार हर हर के अपने से मना जाते हैं सब लोग,
हमारा हाथों, वो भी न कुछ नहीं बोले, इसका हो तो हम भी कहो क्यों बोले, बात सही है न? ये भैया पूरे दिन मुसलमान है, पूरे दिन ब्राह्मण के साथ रहते हैं बिजनेस में, यहाँ साथ में काम करते हैं, तंबाकू का व्यापारी है उसके साथ काम करते हैं। तो मतलब आप उनके लिए काम करते हैं, आप लोग साथ साथ काम करते हैं? नहीं, उनके लिए करते हैं, कोई भेदभाव नहीं है, पूरे गांव में, ये गांव ही ऐसा है कि कोई भेदभाव नहीं है इस गांव में। हमारा भी रोजगार उसके माध्यम से ही चलता है, रोजगार बंद हो जाए हमारा। पहले से ही यहाँ का नेचर ही ऐसा है कि सब लोग आते मिलते जुल के रहते हैं और सब काम करते हैं और उसका गुजारा कर लेते हैं, कि सब लोग मजदूर हैं, मध्यम वर्ग अच्छे सब, पैसादार लोग नहीं है यहाँ पे। इससे क्या है कि सभी लोग सब डेली वेजिस जो कमाते हैं, फिजूल वक्त का उसको टाइम नहीं है, कोई झगड़ा करे, कोई दंगा फसाद करे, ऐसा कोई टाइम कोई भी व्यक्ति को नहीं है, इसलिए ये मेजर इफेक्ट है इस गांव की। Unlike other parts of Gujarat where Muslims are ostracized, the Hindus and Muslims of Napa live together and they depend on each other for their livelihood. Keeping the peace made sound financial sense, as communal rioting would have harmed both communities. This is an old peace. Hindus and Muslims have lived together like this for generations. How is this possible, I ask. They tell me about a third force, the Molesalam Girasias. Girasia samaj ek aisa samaj hai ki koi bhi basti ho kisi ke bhi sath set ho jate hain. Sabse pehle Hindu the jo Muhammad Begum ke time mein unko bandi banaya gaya tha. Girasia samaj ko हिंदुओं ने स्वीकार नहीं किया, फिर उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया। हिंदू और मुस्लिम दोनों से अलग है, वो अपने रीति रिवाज में जब शादी करते तो हिंदू जैसा ही। हमारे में हल्दी लगती है, हाथ में जो धागा बांधते हैं मिंडन बोलते हैं वो लगाते हैं, लेडीज साड़ी पहनती है, गुजराती लिबास है उनका। और कोई नापावटा ग्रास समाज में शादी हुई तो हिंदू ना हो ऐसा नहीं बनता है, हिंदू इन्वॉल्व होता ही है इसमें। ये मंदिर है ना हवेली पाचर मोनेशन गरासिया की बस्ती, एक पत्थर भी हमारे मंदिर पे नहीं गिरा है। और बाहर के वो महादेव है ना, तुम नहीं देखे वो कारका माँ मंदिर है, वो बड़े महादेव वहाँ बीचे बीच, वो गरासिया लोग मुसलमान मोनेशन गरासिया, और एक रखे वाल करते थे रात को, हम रात को 1 बजे चाय भेजने हम अकेले जाते थे पिलाने के लिए। मतलब है कि गांव में साथ साथ में रहते हैं, एक दूसरे को पहचानते, एक दूसरे के साथ शादी ब्याह में जाते हैं, मतलब तो वो कैसे कुछ हो सकता है, वो तो अपने फर्ज में आता है ना कि वो अपना भाई है। Napa also had to feed the thousands of Muslim riot victims who came here to seek shelter. Several relief camps were organized in the village. उसमें हुआ एक्चुअली क्या, पहली बार जैसे अटैक हुआ सब यहाँ आ गए कैंप में, अब उस टाइम पर कैंप जैसे कोई हालात नहीं थे, एकदम बड़ा झमेला, अब सब आ गए तो भी सोचा कि अभी इतने सब तादाद में लोग आ गए, अब उनका खाना खिलाना तो जरूरी है,
उनको रखना, तब सबसे बड़ी जगह मदरसे से बड़ी जगह कोई नहीं थी, क्योंकि उसमें कोई लेडीज़ भी थी, नौजवान लड़कियाँ भी थी, तो उनको फिर अलग अलग रूमों में रखने के लिए जगह वही थी। ये सबको अलग अलग रूम में, जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी तो सबको अलग अलग रूम, मर्दों को अलग कर दिया, बच्चों को अलग कर दिया, सबको अलग अलग रूम में रख दिया। मैं तो त्रिकोण फाउंडेशन का काम करते हैं तो बाटे में घूमता है ना, सबको दवा देते हैं, कहते कि वो सब कैंप वाला है ना, वो आया है, उसको भी दवा देना। वो भाग आया था मुस्लिम बाहर से, उसको प्रसूति भी हमने करवाई थी, कहाँ को वो तो जग डरती कहाँ जाए, वो कैंप में उसकी डिलीवरी कर प्रसूति करवाई थी हमने। फरियाब था एट बधाई अनाज बधु उघरावत अने जो का मधुबेन कहीं जमवानु कहीं खाए तो बनाती जेन तो कैसे मधुबेन एकदम मदद करशो जम खाओ बना में वो करवा लगीसू तो बनात तो ती कन्या सारे बनायेलू पीछे यहाँ नहीं बच्चों का घर टूके यहीं बनायेलू। बदाम तो परिस्थिति बता कोई हारी परिस्थिति ना था, गभराई जाए रात में घड़ा बी जाए एट पाचा बीवे खरा कि भाई कदाच आ लोग दगो नहीं करे ना आपने राख्या से पर पीछे आ बदा भेगा थे तरपदान बदा भेगा थे कहू भाई बधु मुस्लिम और हिंदू अ कोई कोई दगो थे नहीं तम तो आ शांति रहो खाओ पीजो। वो उलड़ में चले आए सब बदे सब दारू पी के उलड़ करा वो कान रख दिया तो सब बदे छो मर जाए मुसलमान मर जाने जिए गया पटल को ऐसा बोले वाया छूटा कर दिए ले और बधु कराए थे सहले नाकजी बधु कराई मन बीजू कसूर मस्जिद में पत्थर मारो कहे ऊपर दारू पीधो ऊपर नन बच्चा लई गया ऊपर अग्ञान मूत्र बधु भर गया ट्रेक्टर ने अंदर पढ़वा कुरान सही बधुज लई गएला। तेरे रेशन कार्ड भी नहीं है उलन में बधा मूठ मूठ फाड़ के ले लिया अमे चले इधर गाम लोग बधा मदद करी मैंने तो हमारे पर हमने कपड़े दिए वो पाथर गोदरिया दिया सब बता दिया हमको बासन बासन सब भाव नहीं लेता कि गरीब पास बिहार नहीं चीता मजूरी कर खाओ क्या इला सब हम मजूरी कर खाई अभी मजूरी जी मरचा लेंगे आई तो भी आना 25 रुपया लेना आई छोकरा खास है बेचारा अच्छा गमता है। हाँ तो शांति है कि हमारा कोई चाहते कोई तकलीफ नहीं हमारी रही है सब नौ बचा हमारा यहाँ है नौमा बस तो चलता ही तो रुक गए मकान मकान बना दिया सब रेशन कार्ड भी बनवा दिया बीपीएल नंबर है मालिक ज्ञान सरकार में पे ही गया सरकार ने खा पे ही गया और तारे लोग आगे आया और जो मदद कर रहे पाछ थी गया ये तो आगे आया ना बीपीएल नंबर बधु बोल आप जॉन कर नहीं हमने घर ही नहीं मिलू आम आदम पड़ी रहे I worry that the peace is fragile. I cannot find any evidence that Muslim riot victims have received special favors. But Madhuben's feelings about being marginalized are very real. In a poor village like Napa, won't economic deprivation cause social tensions between Hindus and Muslims? I also discover something terribly disturbing. The Hindus of Napa have gradually been leaving the village. If relations between the Hindus and Muslims of Napa are so harmonious, if there was peace during the 2002 riots, why should Hindus want to leave Napa? Muslim Hindu છોકરા કઈ પહેણવાનું જ ના મળે કેટલાય છોકરા કુંવારા છે હવેથી આણંદ રહેવા જાય તો 2 વર્ષમાં તે પહેણી જાય અને મોટા મેલ
અહીં કેટલા 25 વીઘા જમીન બતાવે, મકાન બતાવે, તોય પહેણવાર નહીં મળતું કે ભાઈ મુસ્લિમ છે, મુસ્લિમ થઈ જાય કાલ આપણી છોકરી મુસ્લિમ. पर पर्सनली आप आनंद गए यहाँ से, अभी आप आनंद में रहते हैं, तो क्या कारण था आप यहाँ भी? तो वो क्या है कि पहला तो मैरिज का प्रॉब्लम होता है यहाँ. क्या है कि हमारी जो ज्ञाति में है वो सब लड़कियाँ ऐसा चाहती है कि आप कहाँ रहते हो. पहला बायोडाटा में ऐसा नहीं देखता है कि वो क्या कर रहा है, पहला वो देखते हैं कि वो कहाँ रहते हैं. वो अभी शादी हुए 3-4 महीना हुआ, अहमदाबाद की लड़की है बराबर. ऐसा नहीं कि पर किसी को मगज में बैठ गए कि वो मोमेडन की गांव है, ले इधर लड़की ना दे, पर ऐसा कुछ है ही नहीं, पर वो मगज में बैठ जाता है. अंजोड़े लव चलते हो, अंजोड़े चल लो, हिंदू छोड़ी मुसलमान छोकरा जोड़े हो लव चलते हो, कल अपने घर मुसलमान छोकरो लेने उठाई नहीं जाए, इतने छोकरी हट लेने कोई ना ले जाए, और एनु छोकरी आपे नहीं, इतने बधु बाहर जतू रहे. Why is the peace so fragile? I worry that social prejudice from Greater Gujarat will affect relations between the Hindus and Muslims of Napa. If Hindus were to leave the village, won't Napa become yet another Muslim ghetto? What will happen to the next generation of Napa residents? I ask the village elders if they feel the peace will endure. પર ભોગી ગામ છે, જો રાતના પર આ છોકરી તમે મોકલો છો કઈ થાય કેજો, હું તો એને જો જવું હોય તો મુખ્ય જો લોગ કોમ્યુનલ કન્વર્ટ માઇન્ડ કરને વાલે જો એક ગ્રુપ કામ કરતા હે, જો બચ્ચો કા માઇન્ડ કન્વર્ટ કરતા હે, વો જનરલી યંગ બ્લડ કા કરતા હે. अभी ये बच्चे लोग हैं शहरों के अंदर जाते पढ़ने के लिए जाते, अब उनके दिमागों में किस तरह की वो लोग बातें भर देते हैं, इससे कुछ बच्चे इस तरह से थोड़े हो सकते हैं, लेकिन उसकी उसके परसेंटेज बिल्कुल कम, ओनली 5%. ये छोटा लड़का बैठा है, बड़ा तो होएगा ना. आपकी कैसेट भेजो हम सबको दिखा दे तो कुछ भी नहीं होएगा जिंदगी भर, पर आप जो कैसेट बनाते हो उसको भेज दो, बच्चे को हम दिखा देंगे और देख लेंगे, कुछ नहीं होएगा. ठीक है, जो हमने मेहनत की थी वो 90% थी, मगर 10% जो आपने हमको पुशअप किया है उसके लिए और भी मजबूत हो गया. तुम्हारी कैसेट बहुत मजबूत है, काम हो जाएगा ये कैसेट से, हमको पूरा माहौल ही हो जाएगा फर्स्ट क्लास, कभी भी ये तंगा नहीं होएगा. बाकी कभी नहीं हो सकेगा, मैं समझता हूँ कि आपके बाद भी कभी आपका बच्चा भी शूटिंग के लिए आएगा ना क्या, तो भी शायद इसको भी ऐसा ही माहौल मिलेगा इंशाल्लाह. देश प्रेम आधा ईमान, जो तुम देश को वफादारी नहीं करोगे तो तुम खुदा के साथ भी वफादारी नहीं करोगे, ये यहाँ का मुस्लिम समझता है. और दूसरी बात क्या कि यहाँ के हिंदू लोगों ने जो मुसलमानों के साथ अच्छा सुलूक किया है वो दुनिया का मुसलमान मुसलमान के साथ नहीं कर सकता. और ये बात हमने आला लैला नाम बता दे कि तुम्हारे अंदर अदालत में जाके लड़ने की हैसियत नहीं, अदालत में लड़ा था कौन है कि तुम्हारे एडवोकेट कितने, सब हिंदू बिरादर है. ये तंजीम जो एनजीओ चलती है उसमें मदद करने वाले लोग कौन है, ये तीस्ता सेतलवाड़ कौन है, हैं सब तो हिंदू है. एक बात बताइए आप, चलो मेरा गांव कितना समृद्ध है, ताकत वाला है, मुसलमान की ज़्यादा बसी है, बराबर है, मगर सब हिंदू अगर तय कर ले तुम उनका क्या बिगाड़ सकते हो. लेकिन वो तुम्हारे साथ अच्छा सुलूक करना चाहते हो, इसलिए तो तुमको हैरान नहीं करते, भले उनके लीडर दो होंगे. अब ये जैसे बताया हमारे गाँव में भी 2-3 आदमी ऐसे हैं जिनके ख्याल कुछ गलत है, उनके उन्होंने बहकाने की भी कोशिश की, लोग बहके नहीं. आवाम समझती है कि हमारे साथ इनका इतना अच्छा सुलूक है, कोई कुछ भी कहे. ये लोग थोड़े है वो क्या मौसमी कीड़े है, ये मौसम आती है तो वजूद में आते हैं और मौसम चले जाते हैं तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है, कभी नहीं होगा मुल्क में कुछ नहीं होगा.
चाहे कितनी शक्ति आज भले ने काम करे, कुछ नहीं होगा। ये अंदर से मैं कह रहा हूं। أشهد أن محمد رسول